तो आज थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर की एक तो बहुत आसान सी डेफिनेशन ये है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक मशीन विच कैन प्रोसेस डेटा ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर एक खुद मुख्तार बिजली पे चलने वाली मशीन है जो डेटा को खुद से प्रोसेस करने की सलाहियत रखती है। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। कंप्यूटर इज़ अ मल्टीपर्पज़ मशीन। कंप्यूटर हैज़ बीन कवर्ड ऑल फील्ड्स। कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज़ मशीन है जो कि कई मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, जिसने तकरीबन तमाम फील्ड्स को कवर कर लिया है। अच्छा, ये एक अनऑफिशियल इसके ऊपर किसी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक इस तरह की डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं मिल जाती है गूगल वगैरह पर, तो याद कर लें, लेकिन कोई पूछे तो जवाब देने के लिए। कॉमन ऑपरेटेबल मशीन यूज फॉर एजुकेशन, पर्सनल, ट्रेड एंड रिसर्च, ये इसका पूरा वर्ड है कंप्यूटर का, बना रखा है लोगों ने। हालांकि कंप्यूटर जो वर्ड है वो इंग्लिश का वर्ड है कंप्यूट, माना हिसाब किताब करना। कंप्यूटर मतलब हिसाब किताब करने वाला। देयर आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के चार हिस्से होते हैं, जिसमें एक इसका सीपीयू है, दूसरा इसका एलसीडी है, तीसरा एलईडी है, और चौथा सीपीयू है, एलसीडी या एलईडी, तीसरा कीबोर्ड एंड माउस। और आज हमारे पास कंप्यूटर जो है वो कॉमन शेप्स में जो अवेलेबल है वो एक है डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक लैपटॉप कंप्यूटर, और उसके अलावा भी है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये भी कॉमन टाइप्स हैं कंप्यूटर की, और ये भी आपके पास अवेलेबल है, आपके सामने दिख रहे हैं। हाँ, ये भी कंप्यूटर्स हैं, इनमें फ़ोन का फीचर ऐड कर दिया गया है। जैसे हम अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे इंटरनेट से कनेक्ट करके इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कम्युनिकेशन कर लेते हैं, इस तरह स्मार्टफोन में भी फ़ोन कॉल्स का फीचर ऐड है जिसकी मदद से आप कम्युनिकेशन करते हैं। बाकी है तो वही कंप्यूटर, उस पर भी रैम है, उस पर भी माइक्रो प्रोसेसर है, उस पर भी रोम है, ठीक है ना, कीबोर्ड है, कीपैड जिसको हम कहते हैं, टच पैनल है। टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो आते हार्डवेयर क्या होते हैं, ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कॉल्ड, जितने भी आपको ये पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, एलसीडी, ये सब हार्डवेयर हैं, प्रिंटर, स्कैनर, सिस्टम यूनिट, एलसीडी, एलईडी, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम, रैम, गेम पैड, जॉय पैड, ये सब के सब क्या है, हार्डवेयर। अगर कॉमन सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ऑल प्रोग्राम डेट रन इनसाइड कंप्यूटर स्क्रीन आर कॉल्ड, ये जितने प्रोग्राम स्क्रीन के अंदर चलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ये क्या है, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर ह्यूमन प्रॉब्लम, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर ह्यूमन, ये जो सॉफ्टवेयर हैं वो क्या काम करते हैं, इंसानी मसाइल का हल देते हैं। अब कैसे हल, आपको टाइपिंग करनी थी, टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर, आगे आपको फाइल बनानी होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, चैटिंग करनी है व्हाट्सएप, लेटर वगैरह बनाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अकाउंट्स पे काम करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फोटो एडिटिंग करनी है एडोब फोटोशॉप, ब्राउजिंग करनी है गूगल क्रोम, ये सब क्या है, और हमें क्या देना है, सोल्यूशन का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। कॉमन सॉफ्टवेयर नेम, आम तौर पे जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एजुकेशन में शामिल है, जो सबको ही सीखने चाहिए, वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, फोटोशॉप, और भी हैं, ये इनके कॉमन नेम है, सही है? ये था इंट्रोडक्शन इसका।